सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग में। एंड आज के इस ब्लॉग में हम रिव्यू करने वाले हैं द ऑल न्यू हीरो पैशन प्लस का। काफ़ी टाइम पहले ये बाइक हीरो में आया करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली हीरो ने कुछ टाइम पहले इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया था। एंड 2023 में हीरो ने अपने BS6 फेज 2 वाले इंजन के साथ इस बाइक को फिर से रिलॉन्च किया है। तो आज के इस ब्लॉग में हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, माइलेज कितना देती है, ओवर द कॉम्पिटिशन कौन कौन सी बाइक्स आती हैं। एंड एट द एंड हम ये भी बात करेंगे इसमें जो चीज़ें मिलती हैं उसके लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, एंड अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड स्पेशल थैंक्स गोज टू नरेश हीरो हु हेल्पिंग मी आउट टू मेक दिस वीडियो। आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम की ऑल डिटेल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होगी, तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो या दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड आपको इस बाइक के बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो बॉयज, ये है अपनी बाइक द ऑल न्यू पैशन प्लस, जो कि अब फिर से लॉन्च हो चुकी है अपने BS6 फेज 2 वाले इंजन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे आपको E20 की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है, जिससे ये क्लियर हो गया है कि इसमें अब आपको BS6 फेज 2 वाला इंजन देखने को मिल जाता है। बाकी लुक्स एंड डिजाइन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लुक्स है एंड डिजाइन है वो सेम रखा गया है पुरानी पैशन प्लस की तरह ही। यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, छोटे मोटे ग्राफिक्स को चेंजेस किए गए हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। हेडलैम्प आप देख सकते हैं सेम वही पुराना मस्कुलर सा आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अब आपको जो है हीरो का नया वाला 3D लोगो देखने को मिल जाता है, हैलोजन हेडलैम्प दिया जाता है। यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, इसकी विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है। आपको जो टर्न सिग्नल मिलते हैं वो भी हैलोजन मिलते हैं। ऑल दो यहाँ पे हम जो है LED एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते क्योंकि ये एंट्री लेवल की डेली यूज़ कमीटर बाइक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हैलोजन ही मिलने वाली है, चाहे वो टेल सेक्शन हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, चाहे फ्रंट की जो हैलोजन हेडलैम्प हो। बाकी यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का स्टे देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे वेंट मिल जाता है जो कि थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, साथ ही साथ इनका जो मेंटेनेंस होता है वो काफी कम रहता है, जिसकी वजह से आप इजीली इसको मेंटेन करा सकते हैं एंड इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह काफी कम रहती है। इसके जो सस्पेंशन है वहां पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। अब ये काफी सही चीज लगी मुझे क्योंकि अगर कोई कंपनी रिफ्लेक्टर देती है तो वो मडगार्ड पे देती है, बट यहाँ पे इस बाइक में आपको जो है इसके सस्पेंशन में जो है इसके सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। जो मडगार्ड है वो आपको पूरा फाइबर का दिया जाता है, डुअल टोन में आता है। फ्रंट की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉस फिनिश मिल जाएगी एंड रियर में आपको थोड़ा सा मैट का पार्ट देखने को मिल जाता है। टायर साइज की बात करें तो 80x100 सेक्शन का टायर फ्रंट एंड रियर दोनों में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो टायर साइज है वो फ्रंट एंड रियर का दोनों का सेम ही रहने वाला है। अलॉय जो है वो आपको पूरे ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो अलॉय का डिजाइन है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो टायर्स हैं वो दोनों ही आपको ट्यूबलेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप रूरल एरिया में रहते हो जहाँ पे लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो अगर आपकी बाइक का जो लीकेज हो जाता है टायर, तो आप थोड़ी दूर इसको चला सकते हो, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेहतरीन सा क्रैश गार्ड देखने को मिलता है जो कि एसेसरीज का पार्ट है एंड कंपनी आपको ये इंस्टॉल करके देगी। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पे सिंगल हॉर्न का सेटअप दिया जाता है, तो हॉर्न का जो नोट है वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं। अब आ जाते हैं इसके इंजन की तरफ जो कि इसका मेन पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पैशन 110 आती है एंड जो पैशन प्लस आती है, इन दोनों के इंजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पैशन 110 का जो इंजन है वो खड़ा हुआ है एंड इसका जो इंजन है वो लेटा है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। एंड पर्सनली जो लोग हैं, जो मतलब हीरो के जो फैन हैं, मतलब जो हीरो पे भरोसा करते हैं, उनको ये वाला इंजन ज़्यादा पसंद आता है। बाकी BS6 फेज 2 वाला इंजन आपको मिलता है इसमें, यहाँ पे आपको एक ये सेंसर देखने को मिल जाता है एंड जो दूसरा सेंसर है वो आपको इस साइड देखने को मिल जाता है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के पावर फिगर के बारे में। तो यहाँ पे आपको 97.2 cc का एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड किया जाता है जो कि प्रोग्राम FI के साथ आता है, जिसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। पावर फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8.2 PS का पावर 8000 RPM पर एंड 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6000 RPM पर मिलता है। बाकी चलाने में कैसा है, रिफाइनमेंट वगैरह कैसा है, ये सारी चीज़ हम चलाते वक्त बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कैटलिक कन्वर्टर है वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सी प्रोटेक्शन शील्ड दी जाती है, जिसकी वजह से अगर हीटिंग वगैरह होता है तो वो आपके तक नहीं आती है। मतलब अगर आप स्लीपर्स वगैरह भी पहन के चलाते हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इसका जो ब्रेक है यहाँ पे एक प्रोटेक्शन जो है और दी जाती है, तो अगर आप बाइक चला रहे हो एंड आपका पैर गलती से उधर जाने की कोशिश करता है, मतलब किसी कारण से, तो वो नहीं जाता, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जो है एक प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे, मतलब हीरो ने इस बाइक में जो है राइडर की सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक कलर से एग्जॉस्ट दिया है। यहाँ पे आपको क्रोम की शील्ड देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक भी प्रोवाइड करती है। रियर
सस्पेंशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि चैसी माउंट है एंड यहाँ पे आपको जो है रेड कलर से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो देखने में काफ़ी चंकी से लगते हैं, काफ़ी दूर से हाईलाइटेड होते हैं। बाकी इधर इसके जो ग्रैब पैनल है यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, पूरा ग्रैब पैनल इंटीग्रेटेड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको कहीं से भी कोई अलग का पार्ट देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है, मतलब कम्यूटर सेगमेंट में स्पोर्टी मिल जाता है आपको। बाकी इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लोहे का एक मेटल का ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी मजबूत दिख रहा है। रियर में अभी आपको जो है हैलोजन टर्न सिग्नल मिलते हैं, जैसे आगे मिलते हैं वैसे पीछे। रियर में आपको टेल सेक्शन भी हैलोजन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का स्टे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी 772023, तो आप समझ सकते हो ये बाइक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये कुछ एसेसरीज इधर भी रखी गई है जिसमें साड़ी गार्ड एंड लेडीज़ फुट रेस्ट भी दिया गया है, तो ये इंस्टॉल हो जाता है, तो अगर आपके घर की लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इधर की तरफ आपको पूरी पैक्ड चेन प्रोवाइड की जाती है, तो इस बाइक का जो चेन मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी कम रहने वाला है, मतलब इस पॉकेट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाला है। सेंट्रल स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड मिलता है। अब साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का सेंसर भी देखने को मिल जाता है, तो ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे तो जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगा कि कैसे वर्क करता है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो लेट सपोज आप अपनी बाइक को ऐसी जगह पार करते हो जहाँ पे आप काफ़ी जल्दी में निकलना चाहते हो, तो यूजली बाइक में क्या होता है जिसमें साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर नहीं होता है वहाँ पे आपकी बाइक गियर पे होने के बाद भी स्टार्ट हो जाती है एंड आप उसको निकल जाते हो लेके बिना साइड स्टैंड हटाए हुए, तो आगे जाके काफ़ी हद तक क्रैश होने के चांसेस रहते हैं या हो भी जाते हैं। बट यहाँ पे इस सेंसर का काम क्या है, अगर आपकी बाइक में साइड स्टैंड लगा हुआ है तो पहली चीज़ तो बाइक गियर पे है तो स्टार्ट नहीं होगी, एंड अगर आपने जो है न्यूट्रल करके बाइक स्टार्ट कर भी ली तो जैसे ही आप जो है गियर शिफ्ट करोगे तो आपके इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। तो एक बार इसको ऑन करके दिखा भी देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो अभी देख सकते हैं हमारी जो बाइक है वो न्यूट्रल पे है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए न्यूट्रल पे है एंड इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देख लिए बाइक स्टार्ट है, अब जैसे ही मैं गियर शिफ्ट करूँगा, ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे वाला जो व्हील है वो स्पिन हो रहा है, जैसे हमारी बाइक जब चलती है तो वैसा होता है। अब इसका जैसे ही साइड स्टैंड लगाऊंगा देख सकते हैं इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो चुका है। तो ये कैसा फीचर लगा आपको, मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना कि ये फीचर आपको कैसा लगा। बाकी फोर स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है, गियर जो शिफ्टर है वो टू एंड हील शिफ्टर है, तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली गियर शिफ्ट करने में। फ्यूल टैंक की तरफ आएंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है जो कि पूरा मेटल का है एंड इसका जो लिड ओपनर है वो पूरा इंटीग्रेटेड है, मतलब ये ढक्कन जो है पूरा बाहर निकलता है, उसके बाद इसमें आप फ्यूल डलवा सकते हो। फ्यूल टैंक पे आपको पैशन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको प्लस एंड डॉट 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 देखने को मिल जाता है। बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको जो है FI सिस्टम है वो अब OBD2 सेंसर वाला देखने को मिलता है, तो इसमें काफी सारे सेंसर अपग्रेड किए गए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके डायरेक्ट मीटर में बता देती है, तो ये काफी सही चीज है, मतलब आप कम्यूटर सेगमेंट में भी आपको जो हाईटेक फीचर्स हैं वो मिलने लगे हैं। अब आ जाते हैं इसके जो है हैंडल बार की तरफ, तो यहाँ पे आप हैंडल बार देख सकते हो पूरा कम्यूटर सेगमेंट वाला देखने को मिलता है, काफी बड़ा सा है एंड काफी अपराइट पोजिशन वाला मिलता है, यहाँ पे पूरा क्रोम से दिया हुआ है। हैंडल माउंट स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको पास का स्विच देखने को मिल जाता है, लो बीम एंड हाई बीम देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ टर्न सिग्नल, नीचे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है एंड इधर आपको रेड कलर से सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है, इसमें सेल्फ स्टार्ट एंड क्विक स्टार्ट दोनों ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके जो है मीटर कंसोल की तरफ, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का जो है कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर जो मिलता है वो एनालॉग देखने को मिलता है, साथ ही साथ इधर की तरफ आपको एक छोटा सा पार्ट डिजिटल का देखने को मिलता है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रिप ए हो गया, साथ ही साथ आप इसको टॉगल करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ओडोमीटर दिखा देगा एंड इधर की तरफ आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। बाकी जो छोटे मोटे इंजन की चेकलाइट वगैरह है वो इधर मिल जाती है, यहाँ पे आपको आईथ्रेस मिल जाता है। इस बाइक में आपको बेसिकली आईथ्रेस भी प्रोवाइड किया जाता है, तो अभी मैं बता देता हूँ ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे लो बीम एंड हाई बीम, इधर टर्न सिग्नल नोटिफिकेशन एंड साइड स्टैंड का इंजन जो वो है वो भी आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाता है, मतलब साइड स्टैंड इंजन लाइट देखने को मिल जाती है। सुपोज फीचर्स ऑलमोस्ट मैंने इस बाइक के कवर कर दिए हैं एंड अब इसका जो हम राइड रिव्यू है वो करते जा रहे हैं, आपको बताते हैं कि ये बाइक चलाने में कैसी है, कैसी पावर डिलीवरी मिलती है, राइडिंग पोस्चर कैसा मिलने वाला है, कैसा कंफर्ट है, ब्रेकिंग वगैरह कैसी मिलने वाली है। तो सबसे पहले इग्निशन ऑन करते ही आपको काफ़ी अच्छा सा गेस्चर देखने को मिलता है इसके डिजिटल में एंड जो इसका निडल वाला पार्ट है ये पूरा ऊपर जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप आपको फील आती है। अब इसको स्टार्ट करते हैं एंड एग्जॉस्ट नोट आप सुन सकते हैं कितना ज़्यादा लाउड है, मतलब लाउड कह रहा हूँ मतलब कितना ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। सबसे पहले इनिशियल पिकअप चेक करते हैं, ओ भाई वाह, नाइस, ग्रेट, तो
इनिशियल पिकअप के मामले में तो भाई बाइक 10/10 स्कोर करती है। अगर आपके पीछे पिलियन बैठा है या कोई बैठा भी नहीं है, अगर आपने एकदम झटके से क्लच इसका रिलीज़ किया तो ये बाइक लिटरेटली फ्रंट से लिफ्ट कर जाती है। तो मतलब इनिशियल पिकअप आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम मिड रेंज की बात करें तो मिड रेंज आपको काफ़ी सही मिलती है, 60 की स्पीड तक आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड उसके बाद स्पीड जो है थोड़ी कम पड़ जाती है, मतलब काफ़ी धीरे धीरे जो है पुल होती है। तो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो मिड रेंज एंड लो एंड ही इसमें ज़्यादा ध्यान दी जाती है ताकि आपको सिटी में चलाने में मज़ा आए। और टॉप एंड आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते, बट अभी मैंने इसको जितना खींचा है 90 तक आराम से गई है, और आराम से खींचा है, मैंने ज़्यादा पुल नहीं किया। अगर ज़्यादा पुल करेंगे तो 100 and 110 तक तो आराम से जा ही सकती है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो 4 स्पीड गियर बॉक्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो गियर है वो पूरे के पूरे पीछे शिफ्ट अप लगते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्ट होते हैं, चाहे मल्टीपल शिफ्ट अप करो चाहे डाउन शिफ्ट करो, आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, कोई भी खटपट की आवाज़ वगैरह नहीं आती है। बाकी जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब अभी नई बाइक है तो काफ़ी ज़्यादा मक्खन जैसा क्लच चल रहा है। तो अगर आप सिटी वगैरह में चलाते हो तो आपको काफ़ी लाइट फील होने वाला है, आपके हाथों पर ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं पड़ता है। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके रिफाइनमेंट से लेके, तो रिफाइनमेंट के मामले में भाई साहब ये बाइक 10/10 स्कोर करती है। मिड रेंज में तक तो मतलब 60 की स्पीड तक तो आपको कोई भी वाइब्रेशन वगैरह इस बाइक में फील नहीं होते हैं, बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा हाई रैप करते हो 80 के आसपास जाते हो तो आपको फुटपैक्स पे एंड हैंडल बार पे वो आपको थोड़े से वाइब्रेशन फील होंगे। एंड जो चीज़ के लिए बाइक बनी नहीं है उस तक लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको वाइब्रेशन फेस करने ही पड़ते हैं। राइडिंग पोस्चर के बारे में बात करें तो हैंडल बार जैसा कि मैंने बताया कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में आपको पूरा अपराइट मिलता है, तो आपके जो हैंड्स हैं वो एकदम स्ट्रेट रहते हैं, लेग्स भी आपके स्ट्रेट रहते हैं। सीट के कम्फर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें जो है काफ़ी अच्छी कुशनिंग देखने को मिल जाती है, और कहीं से भी आपको फील नहीं होगा कि आप एक कम्यूटर एंट्री लेवल की बाइक चला रहे हो, आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 790 mm की जो आपको सीट हाइट है वो देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली इस बाइक को आपको चलाने के लिए मिनिमम 5.5 जो है हाइट चाहिए। अगर उससे नीचे की हाइट है आपकी मतलब, तो आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, मतलब थोड़े सा अनकम्फर्टेबल फील हो सकते हो, बट सीट हाइट काफ़ी सही है कम्यूटर सेगमेंट को देखते हुए। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 168 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि गुड इनफ है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो जहाँ भी सड़कें वगैरह ख़राब हैं तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से टकराती वकराती नहीं है ये बाइक। बाकी कर्व वेट जो है वो 115 kg का है, तो अगर आप सिटी वगैरह में चलाते हो तो काफ़ी निम्बल फील कराएगी ये बाइक, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सिटी में ट्रैफिक वगैरह में ज़िगज़ैग करके इजीली निकाल सकते हो अगर आपका वेट वगैरह कम है तो। बाकी वेट ज़्यादा है तो और कोई दिक्कत ही नहीं है, बाइक का वेट कम है आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अच्छा पंच वगैरह मिलने लगता है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको जो है USB चार्जर भी मिल जाता है, तो आप ऑन द गो अगर कोई भी एसेसरीज अपनी चार्ज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे केबल इंसर्ट करके चार्ज कर सकते हो, आपको ऐसे कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जर वगैरह जो है इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपने देख रखा है यहाँ पे एक आपको I3S का बटन देखने को मिल जाता है, तो जब आप इसको जो है पुश करोगे तो यहाँ पे आपको I3S ऑफ दिखेगा, एंड फिर से करोगे तो इसके मीटर कंट्रोल में आपको I3S ऑन दिख जाएगा। यूजुअली होता क्या है, जो हीरो की बाइक्स आती हैं जिसमें I3S मिलता है वहाँ पे आपको ये एक बटन देखने को मिलता है। अभी देख रहे हैं आपसे बात करते करते मैंने बाइक को न्यूट्रल किया एंड बाइक जो है अपने आप ऑफ हो चुकी है। अब जैसे ही मैं क्लच को प्रेस करूँगा बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ना मुझे किक मारना है ना मुझे जो है इसका सेल्फ प्रेस करना है। तो यही काम होता है I3S का, एंड हीरो कहता है कि इससे जो माइलेज है आपको वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड आपका एक हेडेच है वो जो है कम हो जाती है। बाइक ट्रैफिक में आपने न्यूट्रल करके खड़ी कर दी, क्लच दबाओ, बाइक स्टार्ट। तो बड़ी काफ़ी सही फीचर लगा मुझे ये, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। अभी रोड खाली है, थोड़ा सा भगाते हैं एंड इसका जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो करते हैं। एंड इसमें आपको IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है इस बाइक में, तो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी वगैरह मिल जाती है। 80 तक ले के जाएंगे, उसके बाद फ्रंट ब्रेक ही अप्लाई करेंगे केवल। वाओ मैन, क्या गजब की स्टॉपिंग पावर है भाई साहब, बिना डिस्क के, मतलब डिस्क वाला वेरिएंट नहीं आता इसमें, एक ही वेरिएंट प्रोवाइड किया जाता है, और विदाउट एनी डिस्क इतनी ज़बरदस्त ब्रेक मिलती है। अभी रियर भी अप्लाई करते हैं, वाह मतलब गजब यार, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे इसकी जो ब्रेक्स हैं उनसे, बट बहुत ही खतरनाक सी जो है आपको स्टॉपिंग पावर मिलती है सिंगल सिंगल ब्रेक में। अब रियर ब्रेक में मतलब अब दोनों ब्रेक अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं दोनों ब्रेक में कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। भाई साहब, भाई साहब इसमें इतनी गजब की ब्रेकिंग ऐसी ही दी गई है कि आपको डिस्क की ज़रूरत ही नहीं है, लिटरली भाई ऑनेस्ट रिव्यू है ब्रेकिंग का इसमें।
एंड अभी हम आ चुके हैं अपने शूट एरिया के सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग पैच पे। तो यहाँ पे दो चीज़ें टेस्ट होंगी, पहली चीज़ तो सस्पेंशन एंड दूसरी चीज़ टायर का फीडबैक, टायर जो है हमारे वो कैसी परफॉर्म कर रहे हैं। ओहो सस्पेंशन भी काफ़ी सही है यार, मतलब ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपको गड्ढे वगैरह आपकी बाइक पे तो जर्क थोड़ा सा आता है बट आपकी बॉडी पे फील नहीं होता है। देख सकते हैं मैं 40 की स्पीड पे इतनी बेकार सड़क से निकाल रहा हूँ बट मेरी बॉडी पे कोई भी जो जर्क है वो नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। आगे वाले थोड़े से सॉफ्टर साइड पे हैं एंड पीछे वाले स्टिफर साइड पे हैं, तो पीछे के सस्पेंशन जो है स्टिफर साइड पे रखने का रीज़न ये होता है क्योंकि आप पीछे जब किसी को बैठाते हो तो पीछे लोड ज़्यादा पड़ जाता है एंड पीछे वाले अगर सॉफ्टर होंगे तो वो नीचे जाके टकरा जाते हैं, इस वजह से कंपनी फ्रंट वाले आपको जो है थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर देती है एंड रियर वाले जो है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पर देती है, जिससे दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर रहता है एंड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड की जाती है। प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 76,241 रुपीज़ एक्स शोरूम इस बाइक के लिए पे करने पड़ते हैं, बाकी ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस इस बाइक से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी भी कवर कर दी है, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो या इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा डिस्प्ले पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर करने से लाइक करने से क्या होता है कि अपनी जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ जाती है एंड अपने को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है एंड अपना जो चैनल है वो और अच्छे से ग्रो करेगा। बाकी आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार दिखा रहे हो, सपोर्ट दिखा रहे हो, बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बाइक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। बाकी अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड आउट, राइड सेफ।